दिल्ली सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से कूद गए। ये दोनों शख्स एक बेंच से दूसरे बेंच पर भागने लगे। तभी एक शख्स ने जूते से निकालकर कोई पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी। इस दौरान संसद में अफरा तफरी मच गई। लेकिन बसपा सांसद मलूक नागर ने कुछ सांसदों के साथ मिलकर दोनों युवकों को दबोच लिया। इसी बीच सिक्योरिटी भी आ गई और वहां से दोनों ही आरोपियों को लेकर गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जब उस शख्स को इन सांसदों ने दबोचा तो सबसे पहले संसद में घुसे शख्स की सांसदों ने जमकर धुनाई की और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया। बातचीत करते हुए मलूक नागर ने बताया कि पीछे से धड़ाम की आवाज आई, मैंने पीछे देखा, एक युवक कूद के नीचे आ गया। इसी बीच दूसरा शख्स भी कूद कर नीचे आ गया। जंप करते करते युवक आगे आने लगे। मैंने और कुछ सांसदों ने पकड़ने की कोशिश की, तभी युवक ने जूता निकाल लिया। हमें लगा जूते से ये हमें मारेगा, लेकिन तभी दिमाग में आया कि कहीं ये कोई हथियार ना निकाल ले। हमने उसे मौका गंवाए बिना ही पकड़ लिया। सुनिए मलूक नागर की जुबानी क्या कुछ हुआ। जीरो आवर चल रहा था और जहाँ पे मेरी सीट है उसके बराबर में जो ऊपर गैलरी है, जो लॉबी है, उसमें वो बैठे हुए थे। पहले एक कूदा और वो कूद के हमें पहले झटके में लगा कि ये शायद गिरा है, और फिर एकदम दूसरा कूदा। तो जैसे ही भागे तो वो जो गैलरी की जो हम सीटों के बीच में निकलने की जगह, वहां से नहीं आए, जहां एमपी बैठते हैं उसमें कूदता हुआ गया। तो जब देखा भाई गिरा नहीं है तो एक्चुअली उसकी नीयत खराब है, तो 6-7 एमपी हम लोग भागे उसकी तरफ। और भाग करके जैसे ही उसको लगा कि पकड़ लिया तो उसने जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाल के कोई खोली और वहां धुआं धुआं होने लगा, फिर पीटा काफी। पिछली बार भी 13 जो घटना घटी 13 दिसंबर को थी, और आज भी प्लान करके वो 13 दिसंबर के दिन जहां हम शहीदों को याद कर रहे हैं, 13 दिसंबर के दिन आज भी फिर उसी तरह की घटना घटी है। खामियां तो है, कहीं ना कहीं खामी तो है, और ये तो बिल्कुल जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां गृह मंत्री बैठते हैं, जहां देश के सारे मंत्री और देश के सारे सांसद बैठते हैं, वहां बीच में घुस करके कूदे हैं, कहीं ना कहीं तो है तो सुरक्षा की तो कहीं ना कहीं। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जाहिर तौर पर संसद की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। संसद की सुरक्षा में चूक ऐसे दिन हुई जब आज संसद भवन पर हमले की 22वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 में आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में 9 जवान शहीद हो गए थे जबकि 5 आतंकवादी मारे गए थे। जिस तरीके से आज के दिन सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, इसको लेकर बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इस तरीके की घटना सामने कैसे आई। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।